जंगल में नाचता हुआ मोर देखने का एक्सपीरियंस अगर हमें शब्दों में बयान करने को कहा जाए तो शायद ऐसा करना बहुत ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि एक विशाल और रंगों से सजे खूबसूरत पक्षी को अपने पंख फैलाकर नाचते हुए देखने का एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग होता है कि उसे एक्सप्रेस करने में शायद हमारे शब्द ही कम पड़ जाए। और फिर मोर तो होता ही इतना खूबसूरत है कि नेचर की किसी ब्यूटीफुल पेंटिंग जैसा दिखाई देता है, जिसे बस देखते ही जाओ तो अपने चमकीले और खूबसूरत रंगों से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेने वाला मोर जब अपने पंखों को फैलाता है तो ये नजारा बहुत ही शानदार होता है। इसके बड़े बड़े पंख रंगों से भरे और खूबसूरती से सजे होते हैं। सैकड़ों सालों से मोर इंसानों के दिल में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। जंगल से लेकर इंसानी इलाकों तक में रहने वाले मोर न केवल अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं, बल्कि इनकी कल्चरल सिग्निफिकेंस भी काफी ज्यादा है। अब यूं तो आपने बचपन से लेकर आज तक बहुत बार मोर को देखा ही होगा, लेकिन आज इस डॉक्यूमेंट्री में मोर की लाइफ को करीब से देखने के बाद आप इसकी दुनिया को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि मोर की जिंदगी कैसी होती है, कैसा होता है इसका डेली रूटीन, ये क्या खाता है, ये क्यों नाचता है, इसकी फैमिली कैसी होती है और इसकी लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में भी। तो फिर चलिए हमारे साथ मोर की दुनिया में infinitystream.tv पर। तो मोर यानी पिकॉक एक लार्ज कलरफुल बर्ड है जो एशिया का नेटिव है और भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, जावा और म्यांमार में रहा करता है। ये वुडलैंड्स और रेन फॉरेस्ट में रहता है, लेकिन इन्हें फार्म लैंड और बुश लैंड्स में रहते हुए भी देखा जा सकता है, क्योंकि इन्हें तो हर तरह के माहौल में ढलना आता है। हालांकि ठंडे इलाकों में रहना इनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि ये एक ट्रॉपिकल बर्ड है जिसे सर्वाइवल के लिए गर्म क्लाइमेट की जरूरत होती है। इंडियन आर्ट और कल्चर में इसे विशेष स्थान मिला है। ये रीग्रोथ और रेजुवेनेशन के प्रतीक है। इन्हें ब्यूटी, लव और पैशन के सिंबल के रूप में देखा जाता है। हिंदू और बौद्ध धर्म में इस बर्ड को पवित्र माना जाता है और देवताओं के साथ इसकी पूजा भी की जाती है। ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी में पिकॉक गोडेस हेरा से संबंधित माना जाता है और फेंगशुई में पिकॉक फेदर्स को खतरों से बचाने वाला समझा जाता है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य से भी इसका रिलेशन है, क्योंकि अनाथ चंद्रगुप्त एक ऐसे परिवार में बड़े हुए जहां पर मोर पाले जाते थे, इसलिए उन्हें मौर्या नाम मिला और उसी के आधार पर मौर्य साम्राज्य को ये नाम दिया गया, क्योंकि संस्कृत में मोर को मौर्य कहा जाता है। पिकॉक पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि हिस्ट्री से लेकर कल्चर तक, रिलीजन से लेकर आर्ट्स तक ये अपनी इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस रखता है और ये ओल्डेस्ट ऑर्नामेंटल बर्ड्स में भी शामिल है। इसके बावजूद ये जानकर आपको हैरानी होगी कि मध्यकाल ऐसा समय था जिसमें इस पक्षी को मारकर खाया जाता था। शुक्र है कि आज पक्षियों को प्रोटेक्शन मिलने लगी है। और ये पिकॉक तो भारत का नेशनल बर्ड भी है, जिसे इसकी ब्यूटी, ग्रेस और कल्चरल इम्पोर्टेंस की वजह से नेशनल बर्ड बनाया गया है। इसका साइंटिफिक नेम पावो क्रिस्टेटस है। इस ब्यूटीफुल बर्ड को भले ही पिकॉक के नाम से जाना जाता हो, लेकिन असल में इस बर्ड स्पीशीज को पीफाउल कहा जाना चाहिए, क्योंकि पिकॉक एक मेल पीफाउल होता है और पीहेन एक फीमेल पीफाउल होती है और इन्हें साथ में पीफाउल कहा जाता है। यानी अगर हम पिकॉक कहते हैं तो इसका मतलब हम इस बर्ड स्पीशीज के केवल मेल पीफाउल की बात कर रहे हैं। पीफाउल फेजेंट फैमिली फेजिनिडी से बिलोंग करता है। इस फैमिली में जमीन पर रहने वाले हैवी बर्ड्स आते हैं, जैसे फेजेंट्स, जंगल फाउल, चिकन टर्की और पीफाउल। पीफाउल की 3 स्पीशीज पाई जाती है, इंडियन ब्लू पीफाउल, जावानीज ग्रीन पीफाउल और कोंगो पीफाउल। इन 3 स्पीशीज में से सबसे पॉपुलर इंडियन ब्लू पीफाउल है। मेनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाली इस पीफाउल स्पीशीज को ही भारत का नेशनल बर्ड बनाया गया है। इसकी हेड, क्रेस्ट और नेक का कलर ब्लू होता है, जो कि इसे बेहद खूबसूरत बनाता है। पीफाउल की दूसरी स्पीशीज जावानीज पीफाउल म्यांमार और जावा में पाई जाती है। ये पीफाउल म्यांमार का नेशनल बर्ड है और इसके हेड, क्रेस्ट और नेक ग्रीन कलर लिए होते हैं, और इस कलर के बेस पर इस पीफाउल को इंडियन ब्लू पीफाउल से अलग पहचाना जा सकता है। इन दोनों खूबसूरत और लार्ज पीफाउल्स के अलावा एक और स्पीशीज होती है कोंगो पीफाउल, जो साइज में इन दोनों स्पीशीज से स्मॉल होती है। इसके लार्ज और इम्प्रेसिव फेदर्स नहीं होते। अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले इस पीफाउल की बॉडी का ऊपरी हिस्सा
ब्राइट ब्लू फेदर्स से ढका होता है और इसके विंग्स ग्रीन कलर के होते हैं। पीफाउल की ये तीनों ही स्पीशीज अपने आप में यूनिक फीचर्स रखती हैं। इन स्पीशीज के अलावा पीफाउल के कई ब्यूटीफुल वेरिएशंस भी मिला करते हैं, जैसे कि व्हाइट पीफाउल। ये व्हाइट पीफाउल पीफाउल की कोई अलग स्पीशीज नहीं होती, बल्कि ये इंडियन पीफाउल का ही एक रूप है। जब इंडियन ब्लू पीफाउल में एक जेनेटिक म्यूटेशन ल्यूसिज्म होता है, तो उसकी वजह से फेदर्स को कोई कलर नहीं मिल पाता और वो व्हाइट ही रह जाते हैं। ये पीफाउल जन्म के समय येलो कलर के होते हैं और मच्योर होने के साथ इनका कलर व्हाइट हो जाता है। इन व्हाइट पीफाउल्स को लक और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल माना जाता है और इन्हें देखकर पीस और प्योरिटी का फील आता है। जहां व्हाइट पीफाउल पीस और प्योरिटी का फील देते हैं, वहीं इंडियन ब्लू पीफाउल अपने वाइब्रेंट कलर्स से ब्यूटी और पैशन की याद दिलाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस ब्लू पीफाउल में केवल मेल पीफाउल के ही अट्रैक्टिव और ब्राइट फेदर्स होते हैं, फीमेल के नहीं? आइए इस बारे में जानते हैं। असल में पीफाउल में मेल और फीमेल के बीच, यानी पिकॉक और पीहेन के बीच, काफी डिफरेंस पाया जाता है, जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि इनके कलर, फेदर्स और बिहेवियर एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। इन पीफाउल्स में मेल बर्ड यानी पिकॉक ज्यादा कलरफुल होता है और अपने पंखों को फैलाकर नाचने वाला भी यही होता है, क्योंकि उसे अपने सूटेबल मेट को अट्रैक्ट करने के लिए पंखों को फैलाना होता है, जबकि फीमेल बर्ड यानी पीहेन को ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। पिकॉक का बॉडी कलर ब्लू और ग्रीन कलर्स की वजह से अट्रैक्टिव लगा करता है, वहीं पीहेन का बॉडी कलर ब्राउन होता है, जो कि उसे पिकॉक जितना अट्रैक्टिव नहीं दिखाता। पिकॉक की ही तरह इसके पास लार्ज और कलरफुल फेदर्स भी नहीं होते। पिकॉक की एक लंबी और खूबसूरत गर्दन होती है, जो कि ब्लू फेदर्स से ढकी रहती है। ये सॉफ्ट फर जैसी दिखाई देती है, जबकि पीहेन की लॉन्ग नेक ब्लू या ग्रीन कलर लिए होती है और इस पर मौजूद फेदर्स फर की बजाय स्केल्स जैसे दिखाई देते हैं। इन दोनों की आंखों के आसपास व्हाइट मार्किंग्स भी होती हैं, जो पिकॉक के ब्लू कलर में चमकती हुई नजर आती है, जबकि पीहेन में ये मार्किंग्स उसकी प्लेन फेदर कलर्स में ब्लेंड हो जाती है, इसलिए उतनी इम्प्रेसिव नहीं लगा करती। इनके हेड पर मौजूद क्रेस्ट भी पिकॉक में ब्लू कलर लिए होता है, जबकि पीहेन में अक्सर इसका रंग ब्राउन होता है। साइज और वजन में भी पिकॉक और पीहेन में काफी डिफरेंस होता है, क्योंकि एक इंडियन पिकॉक की लेंथ 6 से 7 फीट तक होती है, जबकि पीहेन की 3.5 फीट तक। इसी तरह इंडियन पिकॉक का वजन 4 से 6 किलोग्राम तक होता है, जबकि पीहेन का 3 से 4 किलोग्राम तक। पीहेन का नेचर शाय होता है, जबकि पिकॉक बोल्ड नेचर का होता है। पिकॉक को जहां ब्रीडिंग सीजन में अट्रैक्टिव लुक शोकेस करना होता है, वहीं पीहेन को अपने होने वाले बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए आसपास के वातावरण में अपना रंग मिला लेना होता है, क्योंकि पीहेन का बॉडी कलर और उसकी अपीयरेंस मेट को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होती, बल्कि अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए होती है। वैसे भी मेट को अट्रैक्ट करने का काम पिकॉक का है, पीहेन का नहीं। पीहेन को तो अपने बच्चों को अकेले पालना होता है, उन्हें आसपास मौजूद खतरों से बचाकर रखना होता है, और इस पर्पस में उसका स्किन कलर, साइज और बनावट पूरी पूरी मदद करते हैं। बिल्कुल जैसे एक पिकॉक को अट्रैक्टिव लुक देने में उसके स्किन का कलर, साइज और बनावट मदद करते हैं, क्योंकि इन्हीं के दम पर वो ब्रीडिंग सीजन में अपने लिए एक मैट चूज करता है। ऐसा करने के लिए उसे काफी एफर्ट्स करने होते हैं। कोर्टशिप रिचुअल्स को पूरा करने के लिए उसके अट्रैक्टिव फेदर्स होने जरूरी हैं, वरना कोई भी पीहेन उससे इम्प्रेस नहीं होगी। पीहेन को इम्प्रेस करने में ट्रेन, जो पिकॉक के लंबे और खूबसूरत पंख होते हैं, उनका सबसे बड़ा हाथ होता है। इन्हें खोलकर पिकॉक एक सेमी सर्कल शेप बनाता है, जिससे उसे एक इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव लुक मिलता है। ये फेदर्स 5 फीट लंबे हो सकते हैं और एक पिकॉक की टोटल बॉडी लेंथ का 60% कवर कर लेते हैं। इन फेदर्स का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है और ये फेदर्स डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, तभी तो पिकॉक के ट्रेन फेदर्स हमेशा चमकदार फ्लोरेसेंट कलर्स के दिखाई देते हैं। इन ट्रेन फेदर्स को देखकर लगता है कि ये पिकॉक की टेल से निकले होंगे, लेकिन असल में ये टेल फेदर्स नहीं होते, बल्कि उसकी टेल को कवर करने वाले ट्रेन फेदर्स होते हैं। इन फेदर्स के ऊपर होने पर पिकॉक के टेल फेदर्स भी देखे जा सकते हैं, जो बहुत ही छोटे ग्रे कलर के होते हैं। पिकॉक के ट्रेन फेदर्स की सबसे खास बात, इनमें बने आई स्पॉट्स होते हैं। ब्लू, ग्रीन और गोल्डन कलर से बने ये आई स्पॉट्स पीहेन को अट्रैक्ट करने में
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके पैटर्न और कलर्स एक पिकॉक की जेनेटिक फिटनेस और ओवरऑल हेल्थ के बारे में बताते हैं, और इन्हें देख करके ही एक पीहेन को पता चलता है कि कौन सा पिकॉक उसके लिए एक सूटेबल मेट बन सकता है। इसका मतलब एक पिकॉक के फेदर्स केवल शो ऑफ के लिए ही नहीं होते, बल्कि ब्रीडिंग सीजन में सक्सेसफुल मेटिंग के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। पिकॉक की पहचान समझे जाने वाले ट्रेन फेदर्स न केवल कोर्टशिप रिचुअल्स को पूरा करने में मदद करते हैं, बल्कि डोमिनेंस को शो करने के लिए भी जरूरी होते हैं। जिस पिकॉक के ट्रेन फेदर्स से बना सेमी सर्कल जितना बड़ा जितना खूबसूरत, उसका उतना ही प्रभाव उतना ही रुतबा। एक पिकॉक अपने खूबसूरत फेदर्स के लिए जाना जाता है। ये फेदर्स इसे सबसे खास बनाते हैं और इसे एक अलग पहचान भी देते हैं। लेकिन जंगलों में सर्वाइव करने के लिए एक पीफाउल के पास फिजिकल स्ट्रेंथ और शार्प सेंसेस होने भी जरूरी होते हैं। तो क्या पीफाउल के पास ये सब होता है, आइए पता लगाते हैं। पीफाउल एक लार्ज बर्ड है जिसके पास अच्छी आईसाइट, स्ट्रॉन्ग फीट और वोकलाइजेशन स्किल्स पाई जाती है। इनका शरीर फेदर्स से ढका रहता है और इनके सिर पर मौजूद क्रेस्ट किसी क्राउन से कम नहीं लगती। इनकी आंखें हेड के दोनों साइड्स में होती है, जो कि इन्हें वाइड विजन देती है। इनकी अच्छी आईसाइट इन्हें अपने लिए परफेक्ट पार्टनर ढूंढने में भी मदद करती है, और खाने के रिच सोर्सेस तक इनकी पहुंच भी बनाती है। पी फाउल का हियरिंग सेंस भी काफी अच्छा होता है, और आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ये जरूरी भी है। खाने के लिए इनके पास एक इंच लंबी चोंच होती है, जो कि इतनी मजबूत होती है कि नट्स को तोड़ने से लेकर शिकार पर अटैक करने तक का काम बड़ी आसानी से कर देती है। इनकी चोंच के अलावा पीफाउल के पैरों पर भी टच सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, जो टेम्परेचर और प्रेशर का पता लगा लेते हैं, जिससे इन्हें अलग अलग जगह पर मिलने वाले खाने को पहचानने में आसानी होती है। और फिर खाना मिलने के बाद इन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये तो इनका टेस्ट सेंस ही बता देता है, जो कि काफी अच्छा होता है। इस ब्यूटीफुल बर्ड के लॉन्ग स्लेंडर लेग्स होते हैं, जो कि चलने और दौड़ने का काम करते हैं। इसके पैर में तीन फॉरवर्ड फेसिंग टोज होती हैं और एक बैकवर्ड फेसिंग टो। ऐसे फीट पेड़ों की ब्रांचेस पर मजबूत पकड़ बनाने में मदद करते हैं, और अलग अलग तरह की सरफेस पर तेजी से चलने और दौड़ने को भी आसान बना देते हैं। तभी तो एक पीफाउल 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है, और ये अपने बड़े विंग्स की मदद से इसी स्पीड से उड़ भी सकता है। लेकिन उड़ते हुए ये ज्यादा दूरी तय नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी लार्ज और हैवी बॉडी इसे ज्यादा ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचने देती। पीफाउल के लिए चलना, दौड़ना और अपनी जरूरत के हिसाब से उड़ान भरना आसान है, लेकिन स्विमिंग इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इनके पास वेब्ड फीट नहीं होते। वैसे इन्हें वेब्ड फीट की जरूरत भी महसूस नहीं होती होगी, और ना ही इन्हें ऊंची उड़ान भरना जरूरी लगता होगा, क्योंकि इन्हें तैरने की जरूरत नहीं होती और ना ही इन्हें पेड़ की ऊंची डालियों तक पहुंचना होता है। ये ग्राउंड फीडर्स होते हैं, जो अपना ज्यादातर समय जमीन पर बिताते हैं, और रात को सोते समय और कई बार शिकारियों से बचने के लिए ही उड़ान भरकर पेड़ की ऊंची डाली पर जाकर छुपते हैं। ग्राउंड पर अपने दिन का सबसे ज्यादा समय बिताने का रीजन यहाँ पर मिलने वाला खाना होता है। पी फाउल को ग्राउंड पर ही खाना मिलता है, और खाने में इनके कोई नखरे नहीं होते। इन्हें जब भी जो मिल जाता है, ये उसी से अपना पेट भर लेते हैं। पी फाउल ओमनिवोरस होते हैं, यानी सर्वाहारी, जो पौधे, बीज, फल जैसे प्लांट मैटर्स को तो खाते ही हैं, साथ ही छोटे कीड़े और यंग कोबरा को खाने में भी ये नहीं चूकते। सांप को पकड़कर मार देना और उसका शिकार करना एक पी फाउल के लिए बहुत ही आसान बात है, और इसी वजह से इन्हें मौर्य नाम दिया गया है, क्योंकि मौर्य का मतलब होता है सांप को मारने वाला। पौधे और जानवर इनकी डाइट का हिस्सा है, जिन्हें खाने के साथ इन्हें पानी पीने की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए पेट भरकर खाने के बाद ये पानी पीते हैं, और इसके बाद बारी आती है फुर्सत से अपने फेदर्स को साफ करने की। अपने फेदर्स को अच्छी कंडीशंस में रखने की इम्पोर्टेंस एक पी फाउल, खासकर पिकॉक, अच्छी तरह जानता है, इसलिए उन्हें टाइम टाइम पर साफ करता रहता है, और इसके बाद वो छाया में सो जाता है। दिन की इस नैप के बाद शाम को फिर से खाने की तलाश में निकलना होता है, और डिनर के बाद सोने के लिए ये उड़कर पेड़ पर पहुंच जाता है। सनसेट के बाद ग्राउंड पर रहना इन्हें सेफ नहीं लगता, क्योंकि रात होते होते मंगूस, जंगल कैट, स्ट्रे डॉग, लेपर्ड और टाइगर जैसे शिकारियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
ऐसे में पेड़ की ऊंचाई पर रहना थोड़ी तसल्ली देता है। और फिर यहाँ ये अकेले कहाँ होते हैं, सोते टाइम ये ग्रुप में साथ रहते हैं ताकि अकेले होने का डर इनकी नींद ना उड़ा सके। रात में अपनी सेफ्टी के लिए साथ रहने वाले पिकॉक अक्सर दिन में भी साथ देखे जा सकते हैं, क्योंकि इन्हें अपने साथियों के साथ रहना और खेलना बहुत पसंद होता है। ये सोशल बर्ड 8 से 10 के ग्रुप में साथ रहते हैं और इनके ग्रुप के बहुत से नाम हैं, जैसे मस्टर, बेबी और पार्टीज। आपस में बातें शेयर करने के लिए इनका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है। पी फाउल बहुत तरह के साउंड्स निकाल सकते हैं और इनका हर साउंड मीठा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये लाउड क्रीचर्स हैं जिनके हाई पिच साउंड होते हैं। एक पिकॉक का अलार्म कॉल एक हाई पिच साउंड है, जिसे सुनकर लगता है जैसे वो जोर जोर से चीख रहा है। इस साउंड को काफी दूरी से सुना जा सकता है। ये खतरे की आहट को बताने वाला साउंड है। वही चेस कॉल भी एक हाई पिच स्क्रीम है, जो एक पिकॉक दूसरे पिकॉक को अपने इलाके से दूर भगाने के लिए इस्तेमाल करता है। एक पीहेन को फॉलो करते समय भी ये इसी कॉल का यूज करता है। इसकी स्क्रीम इतनी ज्यादा लाउड होती है कि इसे सुनकर ऐसा भी लगता है जैसे पिकॉक रो रहा है, जबकि ये सच नहीं है। वो तो अपनी दुनिया के चैलेंजेस में बिजी है और उन्हीं की वजह से इस तरह की आवाजें निकाल रहा है। इतनी सारी लाउड कॉल्स के बीच पीफाउल की कोर्टशिप कॉल एक लो पिच वाली विसल होती है, जो मेल्स फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए निकालते हैं। इनका कम्युनिकेशन तो वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड बनाए रखने के लिए भी ये सॉफ्ट साउंड निकालते हैं और खुशी जताने के लिए भी। पीफाउल वाकई में स्मार्ट बर्ड्स हैं, जिन्हें पता है कि कब किस तरह की साउंड का इस्तेमाल करना है और उसका क्या रिजल्ट हो सकता है। एक पिकॉक अक्सर लाउड साउंड के जरिए अपनी पावर शो करता है, मेटिंग पार्टनर तलाशता है, अपने इलाके को बचाता है और अपनी ओवरऑल हेल्थ शो करता है। वहीं पीहेन का साउंड कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता है, क्योंकि उसे मेट को अट्रैक्ट नहीं करना होता, बस उसके प्रपोजल पर रिस्पॉन्ड करना होता है, जिसके लिए उसका सॉफ्ट साउंड ही काफी है। कम्युनिकेट करने के लिए वोकलाइजेशन के अलावा भी इनके पास कई सारे तरीके हैं, जैसे कि इनके क्राउन। मेल और फीमेल पीफाउल के सिर पर एक जैसा क्राउन होता है, जो इन्हें ब्यूटीफुल लुक तो देता ही है। साथ ही ये एक वाइब्रेशन रिसेप्टर की तरह काम भी करता है, जो कि इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। एक पिकॉक और पीहेन हमेशा साथ नहीं रहते। नॉन ब्रीडिंग सीजन में ये अपने अलग अलग ग्रुप्स में रहते हैं, यानी पिकॉक एक साथ और पीहेन एक साथ। ये केवल ब्रीडिंग सीजन में ही साथ आते हैं और अपना हैरम बनाते हैं। इंडियन पिकॉक पॉलीगेमस होते हैं, यानी इनके एक से ज्यादा मेटिंग पार्टनर्स होते हैं। इनके एक ग्रुप में एक पिकॉक और 2 से 5 तक पीहेन हो सकती हैं। पीहेन जहां 2 साल की उम्र में सेक्सुअली मच्योर होती है, वहीं पिकॉक 3 साल की उम्र में सेक्सुअली मच्योरिटी गेन करता है। पीहेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने और अपने हैरम में शामिल करने के लिए एक पिकॉक को काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उसके हैरम में शामिल होने से पहले एक पीहेन उसे अच्छी तरह परखती है। इस ब्रीडिंग सीजन में पिकॉक एक दूसरे की टेरिटरी में नहीं घुस सकते, लेकिन पीहेन बहुत से पिकॉक की टेरिटरी में घूम सकती है। आखिर उसे अपने लिए सही मैट जो चुनना होता है। पीहेन को नजदीक आता देख पिकॉक उसके सामने ट्रेन रेटलिंग करता है, यानी अपने ट्रेन फेदर्स को खोलकर उन्हें मूव करता है और उनसे 6 से 7 फीट चौड़ा एक सेमी सर्कल बनाता है। पीहेन को लुभाने के लिए वो 1 सेकंड में 26 बार तक अपने ट्रेन फेदर्स को हिलाता है, ताकि इस मूवमेंट से वाइब्रेशंस बने और वो पीहेन के सिर पर मौजूद क्रेस्ट तक पहुंच सके। इन वाइब्रेशंस में पीहेन के लिए मैटिंग प्रपोजल होता है, जिसे एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना पूरी तरह पीहेन के हाथ में होता है। अगर उसे पिकॉक के एफर्ट्स पसंद आते हैं, उसके ट्रेन फेदर्स इंप्रेसिव लगते हैं, तो वो हाँ में जवाब देती है और पिकॉक के हैरम में शामिल हो जाती है। पिकॉक का यूं ट्रेन फेदर्स फैलाकर के नाचना पीहेन को बताता है कि वो पावरफुल और हेल्दी है या नहीं। इसलिए पिकॉक के लिए ये परफॉर्मेंस देना जरूरी होता है। और क्योंकि इनका मेटिंग सीजन बारिश के मौसम में ही आता है, तो बारिश में नाचता हुआ मोर देखकर हमें लगता है कि वो बारिश होने की खुशी में झूम रहा है। जबकि सच्चाई तो ये है कि एक पिकॉक अपने मेटिंग सीजन में एक पीहेन को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा करता है। इसके ट्रेन फेदर्स ब्रीडिंग सीजन की सक्सेस के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, और इस सीजन के पूरा होने के बाद
पिकॉक मोल्टिंग प्रोसेस से गुजरता है जिसमें वो अपने फेदर्स को छोड़ देता है और अगले मेटिंग सीजन के लिए पहले से ज्यादा बड़े और खूबसूरत फेदर्स को ग्रो होने देता है। इस टाइम एक पिकॉक अपने आप को पहले से ज्यादा खूबसूरत बनाने की तैयारी में जुटा रहता है। वहीं पीहेन अपने बच्चों को दुनिया में लाने की तैयारी करने लगती है। वो जानती है कि ये तैयारी उसे अकेले ही करनी होगी क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन देने का इरादा पिकॉक नहीं रखता। इसलिए वो खुद अपनी चोंच से खोदकर जमीन में एक घोंसला बनाती है। घास फूस से बने इस घोंसले में वो 6 से 12 तक अंडे देती है और 28 से 30 दिनों तक इन अंडों को सेती है। जमीन पर रहते हुए अपना और अपने अंडों का बचाव करना आसान तो नहीं होता होगा, लेकिन इस समय इसका त्वचा का कलर और साइज इसकी मदद करते हैं। इसका रंग पिकॉक की तरह चमकीला नहीं होता बल्कि आसपास के वातावरण में मिल जाता है, इसलिए शिकारी इसे तुरंत देख नहीं पाता और ये कुछ हद तक अपना और अपनों का बचाव करने में सफल हो जाती है। अंडे से निकलने वाले इसके बच्चे पी चिक्स कहलाते हैं और इनका वजन 103 ग्राम तक होता है। इनका शरीर पूरी तरह फेदर्स से ढका रहता है और जन्म के समय मेल और फीमेल किड्स एक जैसे ही दिखाई देते हैं। ये बच्चे पैदा होने के तुरंत बाद चलना फिरना और खाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन माँ जानती है कि ये अभी बहुत ही नाजुक है और इन पर मंडराने वाला खतरा भी काफी बड़ा है क्योंकि शिकारी जानवर पी फाउल के अंडे और बच्चे चुरा ले जाते हैं और बहुत बचाव और सावधानी बरतने के बाद भी इनकी माँ इन्हें बचा नहीं पाती, इसलिए 6 में से केवल 2 बच्चे ही बड़े होने तक सर्वाइव करते हैं। पी फाउल के बच्चे जन्म से ही बहुत एक्टिव होते हैं लेकिन उनकी माँ उन्हें प्रोटेक्टेड रखना चाहती है, इसलिए 2 हफ्तों तक उन्हें घोंसले में छुपाकर ही रखती है और जब वो पेड़ पर चढ़ना सीख जाते हैं तो उन्हें पेड़ पर चढ़ाकर अपने पंखों से ढककर सुरक्षित रखने की कोशिश करती है। 4 हफ्ते के होते होते इन बच्चों के सिर पर क्रेस्ट बन जाती है और ये जल्द ही उड़ान भरना भी सीख जाते हैं। 2 महीने के होने पर ये अपनी माँ जैसे दिखने लगते हैं, हालांकि इनका साइज और वजन माँ से काफी कम होता है। ये बच्चे 6 महीने के होने तक अपनी माँ के साथ रहते हैं और इस दौरान ये उड़ना तो सीखते ही हैं, साथ ही खाना ढूंढना, शिकार करना और अलग अलग आवाजें पहचानना भी सीख लेते हैं। उसके बाद ये अपनी माँ से अलग रहने लगते हैं। इस दौरान ये ज्यादा दूरी तय करने की बजाय अपने घर के आस पास ही रहते हैं जब तक कि ये अपने लिए मैट ना ढूंढ ले और एक नए इलाके में ना चले जाए। ये नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो अपने बर्थिंग ग्राउंड से ज्यादा दूर जाना पसंद नहीं करते। 2 साल के होते होते ये बच्चे मच्योर हो जाते हैं। फीमेल किड्स यानी पीहेन तेजी से ग्रो करती हैं और 2 साल की उम्र में मेटिंग के लिए तैयार होती है, जबकि मेल किड्स के 2 साल के होने पर उनकी ट्रेन फेदर्स आने शुरू होते हैं जिन्हें पूरी तरह डेवलप होने में 3 साल का समय लग जाता है। उसी के बाद वो सेक्सुअली मच्योर होते हैं। इंडिपेंडेंट होने के बाद ये बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं, अपने लिए सूटेबल मेट ढूंढते हैं, नई जनरेशंस को दुनिया में लाते हैं, उन्हें जीने के गुर सिखाते हैं, दुश्मन और दोस्त की पहचान बताते हैं और इस तरीके से जंगलों में 10 से 25 साल की उम्र तक जीते हुए अपना सफर पूरा करते हैं। जंगल में जिंदगी गुजारने के गुर जिसे जितने ज्यादा आते हैं उसके सर्वाइवल के चांसेस भी उतने हाई होते हैं। तभी तो कोई पीफाउल 10 साल से भी कम उम्र तक जीता है और कोई पीफाउल 25 साल तक जंगलों में अपनी दुनिया बसाए रखता है। जंगलों में रहने वाले इस पीफाउल को खेतों में रहना भी पसंद आता है। ये गार्डन, पार्क और एग्रीकल्चरल एरियाज में भी रहा करते हैं क्योंकि यहाँ पर इन्हें खाना, पानी और आराम करने के लिए ऊंचाई पर बने रूस्टिंग एरिया मिल जाते हैं। इंसानी इलाकों में ये पेड़ों और छतों को अपने रूस्टिंग एरिया बना लेते हैं ताकि ऊंचाई पर रहते हुए शिकारियों से बचाव कर सके। इंसानों के साथ रहते हुए ये फ्रेंडली बिहेव करते हैं, लेकिन अगर इन्हें कोई खतरा नजर आए तो ये अग्रेसिव होना भी जानते हैं। इन्हें अपने झुंड में रहना तो पसंद होता है लेकिन दूसरे पोल्ट्री बर्ड्स के साथ ये नहीं रहा करते। एग्रीकल्चरल एरियाज में रहते हुए ये नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर की तरह काम करते हैं क्योंकि इनकी डाइट में इंसेक्ट से लेकर के रेप्टाइल्स जो आते हैं, तो ऐसे में इन इलाकों में रहने से इन्हें खाना मिल जाता है और खेतों में पेस्ट कंट्रोल के लिए केमिकल्स यूज करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अनजाने में हमारी मदद करने वाले ये पी फाउल सीड डिस्पोजल में भी मदद करते हैं जिससे कि अलग अलग इलाकों में नए पौधे उग पाते हैं जो कि इस इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है।
इस तरह पीफाउल तो इकोसिस्टम को बचाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देना जरूरी समझते हैं, लेकिन क्या ये बर्ड खुद को बचा पाते हैं? तो इंडियन ब्लू पीफाउल जो इंडिया का नेशनल बर्ड है, उसे IUCN ने लीस्ट कंसर्न स्पीशीज बताया है, यानी फिलहाल ये खतरे से बाहर है। गवर्नमेंट की परमिशन के बिना इसका इलीगल ट्रेड करना भी बैन है, इसलिए ये सुरक्षित बना हुआ है। लेकिन ग्रीन पीफाउल एक एंडेंजर्ड स्पीशीज बन चुका है और कोंगो पीफाउल एक वल्नरेबल स्पीशीज, और इसका रीजन वही जिससे हर बर्ड और एनिमल जूझता आ रहा है, यानी कि ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी कि इंसानों का दखल अंदाजी करना, इंसानी जरूरत को पूरा करने के लिए इनके इलाकों पर अधिकार, जिससे इनके घर छिन गए, और फैशन इंडस्ट्री में इनके फेदर्स की इतनी हाई डिमांड कि इन फेदर्स को हासिल करने के लिए इनका शिकार होता रहा है। नतीजा हमारे सामने है, पी फाउल की दो स्पीशीज खतरे में है, तो हमें इन्हें बचाना होगा, इनके घरों को सुरक्षित रखना होगा, इनसे जुड़ी इल्लीगल एक्टिविटीज पर रोक लगानी होगी और इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करनी होगी, जिसके लिए हर साल 15 नवंबर को वर्ल्ड पिकॉक डे मनाने की शुरुआत की गई है। इस शुरुआत में आप भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दीजिए, पीफाउल के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करके। आप जैसे वाइल्ड लाइफ लवर से इतनी उम्मीद तो की ही जा सकती है। हमें उम्मीद है कि मोर की दुनिया को इतना करीब से देखने के बाद आप इनकी तकलीफों और चुनौतियों को महसूस कर पा रहे होंगे और अपनी तरफ से हर वो पॉसिबल एफर्ट भी करना चाहेंगे जो इनकी जान बचा सके, और हर बार इनोवेटिव और इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज लाने की आपकी उम्मीद पर खरे उतरने की कोशिश हम करते रहेंगे। आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए infinitystream.tv पर, और यहाँ पर मौजूद डॉक्यूमेंट्रीज को एक्सप्लोर करते रहिए। धन्यवाद।